पहले आप बताइए आसाम में आते ही आपको क्या अच्छा लगा डेफिनेटली द द द ऑफ पीपल एंड वेदर आपने बताया था कि आर्ट की वजह से म्यूजिक के वजह से आप दोनों को मतलब फ्रेंडशिप आप दोनों के बढ़े उसके बारे में कुछ बताएंगे आई थिंक द बुटीफुल थिंग वॉज दैट वी कनेक्टेड थ्रू आर्ट एंड वी वर एबल टू अप्रीशियट ईच अदर एज आर्टिस्ट एंड नॉट जस्ट वट वी डन बट वट वी वॉन्ट नो एंड रियली हमारे लिए बहुत मायने रखते थे আমি আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যিহেতু আমি দেখিছিলোঁ প্ৰেছমিট যেতিয়া দিয়া হৈছিল তেখেতে কৈছিলে যে অসমীয়াতে ক'ব লাগিব অসমীয়াৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম সেইটো দেখা পাইছিলোঁ আছামেছমিহি ব'লো আপুনি এছে ব'লাথা কেনেকৈ জাগি উঠিল প্ৰেমটো কি কি আপুনি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অসমৰ বিষয়ে প্ৰথম কথা কৈছোঁ যে আমাৰ ইমান নেচাৰেলি ইমান ডাইভাৰ্চ আৰু আমি ইমান কিমান বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইব আছে বড়ো মিচিং কাৰ্বি মই সেই আৰু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৈছোঁ আমাৰ গোটেই মিথ'লজি আমাৰ গোটেই কালচাৰৰ বিষয়ে কৈছোঁ আমাৰ যোনটো ৰিলিজিয়ন হয় এতিয়া আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ নাম তাৰপিছত লোকগীত এই সব সকলো আৰ্ট ফৰ্মছ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আহিছে খাদ্য যোনটো মই বনাব পৰা নাই বা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বনাবলৈ চ' সেনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰি তাইক মই বস্তুবোৰ দেখাইছোঁ কেনেকৈ আৰু ইউটিউবটো আছে চ' মই সেনেকৈ ভিডিঅ'জ দেখাইছোঁ জাগাবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ ডান্স ফৰ্ম বিহুৰ ডান্স ফৰ্মবোৰ দেখাইছোঁ বিহুৰ বিষয়ে কৈছোঁ চ' সেনেকৈ মোৰ যি আছে চব চব অসমৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ মই বুজাইছোঁ কৈছোঁ আৰু সেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে আৰু কি কি ৰান্ধি খোৱা হ'ল এতিয়ালৈকে মুম্বাইত থাকোঁতেও বা ইয়াত অহাৰ পিছত কি কি आलू पिटिका इजी खाई माई तले बैंगन पिटिका <laughs> बैंगन पिटिका बैंगना पिटिका बनाइसो पिटिका इजी <laughs> आ जदि खुदु डिश बुरर কথা अहोम आसाम के जो डिशेस है क्विजिन है वो मतलब रिच कल्चर है जो एथनिक हाँ, एटर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए आई थिंक दैट मैं वो जब हम सब मिलके बात कर रहे थे आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एज इंडियंस फॉर ऑल अवस्ट टू चाहे नॉर्थ टू साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट टू मिडिल इंडिया वेस्ट जो भी हम सब के कल्चर्स इतने खूबसूरत हैं आई एम वेरी ब्लैस्ड कि थ्रू शांतनु मुझे एक डिफरेंट परस्पेक्टिव आया यू नो टू टू लर्न अबाउट कल्चर बीन वेरी इंटरेस्टेड एंड आई थिंक जो आमीज़ हिस्ट्री है और कल्चर है इट्स रियली रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड तो मैं हमेशा पूछती रहती हूँ उनको अगर आपको मौका मिलेगा कि आसाम के ये रिच कल्चर को अगर आगे बढ़ाने का तो आप क्या करना चाहेंगे आसाम के लिए आई मीन आई आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजिशन बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट आई थिंक समन लाइक शांतनू डज अलॉट फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट

ऐसे बहुत हैं जो हम जानते नहीं थे कि देम सो इट्स रियली अ रिच म्यूजिकल कल्चर आई मीन बाहर से देखने में भी, भी ये साफ नज़र आता है कि आसाम हैज रिच म्यूजिकल कल्चर थैंक यू सो मच लेकिन आसामीस में कुछ दो। बेहोर होना जोनालो। अपनी wow. হেপ বিহু আৰু যদি সুবিধা পায় আকৌ তেওঁক অসমলৈ অনাৰ এতিয়া প্ৰথমবাৰ এতিয়া ভাল পায়